देखिए दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसी बेटियों के साथ ऐसी घटना हो रही है। और सोचिए, प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर हैं, कोई देश नहीं बचा है जहां पर उनका विरोध ना हो रहा हो। लंदन की तस्वीरें आ रही हैं और लंदन में जिस तरीके से कभी स्वागत हुआ था, आज वहीं के लोग कितनी बड़े पैमाने पर सरकार का विरोध कर रहे हैं। ये सरकार का विरोध नहीं हो रहा है, ये आपके भारत का अपमान हो रहा है। और देखिए, यूएन तक के लोगों को कहना पड़ा, और किस लिए? ये पुलिस के जो अधिकारी हैं, क्या इन्हें बचाना चाहिए था सरकार को कि पीड़ित को सहयोग करना चाहिए था? सरकार बचा रही किसको? अपने लोगों को जो दोषी हैं। अधिकारी किसको बचा रहे हैं? जो दोषी हैं। तो सोचिए छवि क्या देश में बनेगी, दुनिया में क्या बनेगी। और जो घटना जम्मू की हुई है, शायद मानवता के इतिहास में ऐसी नहीं हुई होगी घटना जो वहाँ पर हुई है। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब चुनाव हो रहा था, समाजवादी सरकार थी, 8 तारीख को रात को प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी सरकार ने नोटबंदी की थी। और नोटबंदी करते समय ये फैसला लिया गया था कि इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा, काला धन वापस आएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा और तमाम बातें इस तरह की कही गई। जनता परेशान हुई, उस समय भी बड़ी पैमाने पर लोगों की जान गई और जान सबसे ज़्यादा गरीबों की गई थी। और उसी दौरान आपको याद होगा, एक खजांची पैदा हुआ था इसी उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम समाजवादी लोगों ने और बैंक के कैशियर ने खजांची रख दिया था। उस समय भी समाजवादी पार्टी और मैंने कहा था कि नोट काला सफ़ेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफ़ेद होता है। और उस समय जो संकट आया, उसके बाद बीजेपी सरकार ने ये कहा कि हमने नोट छापने वाला जो कागज़ है वो बड़े पैमाने पर विदेश से मंगाया है, विदेश से पैसा आ रहा है, जो नोट छापा जाता है वो मशीन विदेश की है जो नोट छापती है। मैं समझता हूँ जो रंग इस्तेमाल हो रहा है, जो तरह तरह का रंग इस्तेमाल हो रहा है इस समय नोटों पर, वो भी विदेश का है। और सरकार तो ये दावा कर रही थी कि उन्होंने नोट ज़्यादा छापे हैं, और अगर नोट ज़्यादा छापे हैं, बाज़ार में नोट नहीं है, ATM में नोट नहीं है, तो इसके ज़िम्मेदार अगर कोई है तो वो केंद्र सरकार ज़िम्मेदार है। ये कानपुर तो एक्सपोर्ट भी करता है, आप किसी एक्सपोर्टर से पूछिए जाकर के, क्या GST लागू होने के बाद, नई व्यवस्था बन जाने के बाद उनको सरकार से कितना रिफंड पैसा हुआ है? अगर एक भी हमें एक्सपोर्टर ये कह दे कि उसे पैसा मिला है, तो आप सोचना कि बीजेपी की GST की पॉलिसी बेहतर थी। तो नोटबंदी ने, GST ने व्यापार को संकट में डाला है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, न नौकरी है, न रोजगार है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हम नया सपना दिखा रहे हैं कि हम एक डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे। हम पूछना चाहते हैं, इसी कानपुर में डिफेंस का पहले से काम हो रहा है, आप बताइए क्या मदद की है सरकार ने? बवीना सबसे बड़ा डिफेंस एरिया है, क्या उसके लिए कुछ काम हुआ है? तो जब कोई काम नहीं किया है सरकार ने, तो सरकार जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए ये काम करती है। इसलिए बीजेपी से सावधान रहना, बीजेपी कभी भी ध्यान हटाने का काम कर सकती है। इनके जेब में क्लोरोफॉर्म रहता है, इनके जेब में OPM रहता है। जब मुद्दे से ध्यान हटाना है तो एक जेब से OPM निकालते हैं और कभी दूसरी जेब से क्लोरोफॉर्म निकालते हैं। कृपया हमारे चैनल को